महामंत्री जी, क्या हुआ? बिच्छू राजा का सैनिक कोई संदेश लेकर आया है, भेजो उसे और साथ में चक्रपाणी को भी बुलाओ। जी महामंत्री जी। क्या हुआ महामंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ चक्रपाणी, जब बिच्छू राजा ने हमसे युद्ध का जवाब मांगा था तब मैंने उन्हें एक शांति प्रस्ताव भेजा था, अभी उनका सैनिक आने वाला है। क्या हुआ महामंत्री जी, क्या जवाब आया? वो कल ही युद्ध करना चाहते हैं, नहीं तो महल पर चढ़ाई कर देंगे। मेरे होते हुए इस महल की तरफ वो आँख उठाकर भी नहीं देख सकते। चिंता ना करें महामंत्री जी, आप सिर्फ युद्ध करने की आज्ञा दें, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें आज्ञा दी। उसी दिन शाम को मिराज अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, यह बताने कि युद्ध कल ही होगा। मिराज, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अब देखते हैं सम्राट कुंभा बिच्छू राजा की इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करते हैं। अब तुम बस दूर से ही युद्ध पर नजर रखना, और जरूरत पड़े तो सम्राट कुंभा के सैनिकों को क्षति पहुंचाते रहना। सम्राट फिर से एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन यह दुनिया दूसरी दुनिया से बहुत अलग दिख रही थी। फिर सम्राट को कुछ नजर आता है। सम्राट जब उस रोशनी के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तब आवाज आती है, ठहर जाओ, तुम इसके अंदर ऐसे नहीं आ सकते हो। फिर सम्राट सब जगह देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर भी सम्राट आवाज देकर पूछते हैं, मुझे इस दुनिया से बाहर जाना है, फिर कैसे जाऊं? दोबारा फिर आवाज आती है, तुम इसके अंदर जा सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर किसी तरह का अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम इसके अंदर जाते ही मारे जाओगे। मैंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई ही सोची है, मैं इस दुनिया में उन्हीं के लिए ही तो आया हूँ, अगर मुझे उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगा। ऐसा कहकर सम्राट उस रोशनी के अंदर चले जाते हैं। चलो जल्दी करो, अपने हथियार उठाओ, जल्दी जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, और कतार बनाकर खड़े हो जाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें अपने हथियार धारदार और मजबूत बनाना है, जिससे दुश्मनों के सैनिक एक ही बार में मारे जाएं। उस बक्से को काफी संभाल के ले जाना है, देखना खुल ना जाए, ये युद्ध में बहुत काम आएगा। वहीं दूसरी ओर सम्राट का सेना नायक चक्रपाणी युद्ध के लिए अपने सैनिकों को तैयार करता है। सैनिकों, हमारा युद्ध बिच्छू राजा से है, जिनकी बहुत बड़ी सेना है, लेकिन हमारा एक सिपाही उनके 10-10 सिपाही के बराबर है। हमारी सेना कभी हार ना मानने वाली सेना है, क्योंकि ये सम्राट कुंभा की सेना है। तो सैनिकों तैयार हो जाओ उस बिच्छू राजा को हराने के लिए। फिर दोनों ओर के सभी सैनिक युद्ध मैदान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बिच्छू राजा की सेना सम्राट की सेना से दोगुनी थी। और देर न करते हुए युद्ध आरंभ करते हैं। आक्रमण, हमला। एक तरफ चक्रपाणी किसी भी सैनिक को अपने सामने टिकने नहीं देता, दूसरी तरफ करका का शौर्य भी दमदार था। सम्राट के सैनिकों द्वारा बरसते तीरों से बिच्छू राजा के सैनिक नहीं बच पा रहे थे, और एक एक करके सारे सैनिक मारे जा रहे थे। लेकिन बिच्छू राजा के सैनिक अधिक होने के कारण वे छल कपट पर उतर आए, और दो दो तीन तीन सैनिक मिलकर एक सैनिक को मारने लगे। समय बीतने पर चारों ओर दोनों तरफ के सैनिकों की लाशें बिछ गई थीं। तभी एक बहुत बड़ा बिच्छू मैदान में आ जाता है, जिसके ऊपर बिच्छू राजा विराजमान रहते हैं।